हाय, लेट्स जस्ट लर्न दिस ब्यूटीफुल सॉफ्ट ग्लैम मेकअप। अब हम ये मेकअप सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले आप मेरा चेहरा देख लीजिए। मैं बिना मेकअप के लाइक ऐसे दिखती हूँ, लाइक स्किन में फ्लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर लगा रही हूँ। ये प्राइमर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि ये सिलिकॉन बेस्ड है, तो आपके जो पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे से मिनिमाइज कर देता है। इसलिए प्राइमर इज़ इम्पॉर्टेंट, सो प्राइमर बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ट्रांसफर प्रूफ रहता है, एंड आपकी स्किन में मेकअप भी नहीं जाता है। बेसिकली एक लेयर क्रिएट हो जाती है स्किन एंड मेकअप के बीच में। देन मैं कलर करेक्शन करूँगी। जहाँ जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स हैं आपके अपने फेस पे, वहाँ पे आप कलर करेक्शन कर लीजिएगा। आप ध्यान दे रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं यूज़ कर रही हूँ, बस स्किन से एक शेड डार्कर कंसीलर ही ले रही हूँ, और जहाँ जहाँ पे सिर्फ ज़रूरत है वहीं वहीं पे मुझे लगाना है। एंड लगाने के बाद आप उसको देख लें कि कहाँ कोई एरिया रह ना गया हो, एंड देन आपको कलर करेक्शन को ब्लेंडिंग देनी है। ब्लेंडिंग के वक्त आपको ध्यान देना है कि आप ब्लेंडिंग बहुत ओवर नहीं कर दें, मतलब आपका कलर गायब नहीं होना चाहिए, वो आपकी स्किन पर ऑलरेडी रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करना है। इसलिए ब्लेंडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग कर रहे हैं। हमें सिर्फ एजेस को ही ब्लेंडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ब्लेंड नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा ब्लेंड कर देंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो पीक आउट होने लगेंगी। एंड अब मैं मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है फाउंडेशन। एक ही पंप लिया है मैंने, एंड अभी आप देखेंगे उसको मैं पहले अपने फेस पे स्प्रेड कर लेती हूँ प्रॉपर, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है। मैं कभी कभी एक पंप से भी कम फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं पहले अपने पूरे फेस पे लगा लेती हूँ फाउंडेशन, और फिर धीमे धीमे करके उसे ब्लेंडिंग देती हूँ। जहाँ पे भी मुझे लगता है कि कवरेज कम है वहाँ पे और लगा लेती हूँ। अब ब्लेंडिंग आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने बिल्कुल कोई भी कट नहीं किया है वीडियो में। नॉर्मली जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ वही सेम स्पीड है, एंड मैं फाउंडेशन बफिंग ब्रश से लेके अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आप देख रहे हैं कि मुझे फाउंडेशन को ब्लेंड करने में बिल्कुल दिक्कतें नहीं हो रही। इसका रीज़न ये है कि मैंने CTM बहुत अच्छे से कर रखा है, तो अगर आपने बहुत अच्छे से चेहरे पर मॉइस्चराइजिंग एंड प्रेपिंग कर रखी है तो आपको कुछ एफर्ट्स नहीं देने पड़ते। एंड देखिए कितना ज़्यादा फ्लॉलेस हो चुका है मेरा फाउंडेशन, ये बहुत ईजिली अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे जहाँ जहाँ लगता है कवरेज कम है, मैं वहाँ वहाँ पे फाउंडेशन फिर से ले लेती हूँ एंड लगा लेती हूँ। इससे फेस पे फाउंडेशन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं लगता है। तो ये टेक्निक आप भी अपनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। एंड अब मैं फेस पे कॉन्टोर यूज़ करूँगी। सो मैं NYB की कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड टॉफ़ी, एंड मैं अपने चेहरे के हाईएस्ट पॉइंट्स पे अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लूँगी, ताकि मेरा फेस थोड़ा सा डिफाइन हो जाए, जो कि फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ा सा यू नो डिफ्यूज़ हो चुके हैं मेरे फीचर्स। एंड आई लव टू कॉन्टोर माई लिप्स, तो लिप्स कॉन्टोरिंग अगर आपको पसंद है तो ज़रूर करिएगा। इससे लिप्स की शेप बहुत अच्छी आ जाती है, एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, एंड काफ़ी 3D लुक भी देता है फेस को। सो जस्ट डू दिस। एंड आफ्टर कॉन्टोरिंग आप देख सकते हैं कि अभी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। नो, ज़रूरी नहीं है कि मेकअप के टाइम, मतलब मेकअप करने के दौरान आपका चेहरा अच्छा लगे। सो जस्ट डोंट वरी गाइस, जो लुक आपको दिखाया है वही लुक की क्रिएशन चल रही है इन प्रोसेस। तो अब हम कॉन्टोर को भी जहाँ हमने कॉन्टोर लगाया वहाँ पर ब्लेंड करना। अच्छा, कॉन्टोरिंग के वक्त एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि जहाँ लगाया है ना बस वहीं पे ब्लेंड करना। ऊपर नीचे इधर उधर अगर ब्लेंड कर दिया ना तो पूरा चेहरा काला हो जाएगा, और जितना भी आपने फाउंडेशन लगाया है ना वो सारी मेहनत बर्बाद चली जानी है। तो मेक श्योर कि आप कॉन्टोर करते वक्त जहाँ पे ब्लेंडिंग है, जहाँ पे लगाया है वहीं पे ब्लेंड करें, ऊपर नीचे इधर उधर रास्ता ना भटके। एंड जॉ लाइन मेरी वैसे भी बहुत अच्छी है, मैं थोड़ा सा कॉन्टोर कर लेती हूँ और, ताकि और अच्छी हो जाए। एंड लुक कितना ज़्यादा प्रिटी लगने लगा है यार चेहरा अभी से ही, लाइक कॉन्टोर करके एक प्रॉपर डेफिनेशन आ जाती है चेहरे पे। एंड अब मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड नंबर 3, और मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे हाईलाइटिंग कर लूँगी। ये स्टेप ना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे पहली चीज़ तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कवरेज आती है चेहरे पर, एंड कवरेज के साथ साथ क्या होता है ना, इससे 3D डायमेंशनल लुक आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब प्रोसेस है,
जहाँ जहाँ पे मैंने किया है सेम एरियाज ध्यान से देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन्हीं एरियाज पे आप भी करिएगा हाईलाइटिंग जब भी करिएगा कंसीलर से, एंड देन उसे एक पफिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। एंड पहली चीज़ तो मैंने कोई भी कट नहीं कर रखा है वीडियो में, सो यू नो अगर आप बिल्कुल नहीं पता, बहुत ही ज़्यादा बिगनर हो और आपको नहीं पता कि ब्लेंडिंग कैसी करनी है, ब्रश से किधर कैसे कैसे मूव करना है, पैचेस नहीं आने हैं तो किस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियो की स्पीड बहुत ही नॉर्मल है। तो अगर आप बिगनर हैं ना तो आप इससे बहुत ही इजी वे में मेकअप सीख सकते हैं। एंड सेम वे में मैंने ब्लेंड कर दिया है। आईज को ब्लेंड करने के वक्त ध्यान देना है कि हमें ऊपर की तरफ ब्लेंड करना, मतलब जो आपका कान जहाँ से स्टार्ट होता है ना हमें उस तरफ उस डायरेक्शन में ले जाना है ताकि एक लिफ्टेड और स्नैच्ड लुक आ जाए। और मैंने सेम जो ब्रश पे बचा कुचा प्रोडक्ट था वो आईज की अपर लिप्स पे भी लगा लिया है ताकि मुझे कोई एक्स्ट्रा कंसीलर की ज़रूरत ना पड़े। एंड सेम प्रोसेस मैं दूसरी आई में भी करने वाली हूँ। मैं आईज पे पहले अच्छे से ब्लेंड दूंगी, देन मैं जितना भी थोड़ा प्रोडक्ट बचा हुआ है उसे मैं ऊपर वाली आईज पे भी लगा दूंगी ताकि प्रोडक्ट मेरा वेस्ट ना हो एंड मेरे फेस पे एक अच्छी सी सॉफ्ट क्लैम कवरेज आ जाए। एंड अब मेरा फेवरेट पार्ट है जो कि है ब्लश। मैं रिकोट का ब्लश यूज़ कर रही हूँ एंड अपनी फिंगर की मदद से उसे अच्छे से मेल्ट करते हुए अपने चीक्स पे लगा रही हूँ। एंड नाउ लुक एट दिस, कितना ज़्यादा प्रिटी सा फेस ऑलरेडी हो गया है मेरा। एंड आई एम सॉरी अबाउट माई वॉइस गाइज, आई नो आई एम नॉट वेल, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी यू नो इस तरीके से है, सो प्लीज़ मैनेज इट। एंड आफ्टर ब्लश मैं अपने फेस पे लैक्मे का लूज पाउडर ले करके उसे अच्छे से सेट कर लूँगी। अंडर आइज को सेट कर लेंगे एंड देन फेस के जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे हल्का हल्का पसीना आता है यानी कि अपर लिप्स एंड माउथ के अराउंड, वहाँ पे हम फेस पे अच्छे से लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर लेंगे। एंड अब हम लगाएंगे अब हम लगाएंगे एक पाउडर ब्लश। मैं आई मैजिक की ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से अपने चेहरे पे राउंड राउंड मोशन में ब्लश लगा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लुक होने वाला है, तो हम आईज़ पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेकअप करने वाले हैं। आई नो कि सबसे पहले देखिए डार्क ब्राउन शेड लेना है एंड आँखों में लगाना है। गाइज आई नो कि आपने देखा था वीडियो में कि मैंने विंग नहीं लगाई थी, बट अभी मैं विंग वाला मेकअप कर रही हूँ, सो डोंट वरी। ये विंग बाद में मैंने हटा दी थी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। आप अभी देखिए कैसे कैसे मैं मेकअप कर रही हूँ। पहले डार्क ब्राउन शेड लिया है, उसे हमने लगा लिया है लाइनर के तरीके। उसके बाद हल्का सा डार्क ग्रीन शेड ले रही हूँ मैं ब्रश पे एंड उसे भी अच्छे से लगा रही हूँ। नीचे वाली लैश लाइन पे भी हमें हल्का सा डार्क ब्राउन लगा दिया है। अब हम एक लाइट ग्रीन कलर का शिमर शेड लेंगे, अंडर आइज में लगा देंगे। अब मैंने लिप्स पे एक स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लिया है न्यूट शेड में एंड लिप्स पे लिप लाइन कर ली है। ये मेरा फेवरेट लिप लाइनर है बिकॉज ये न्यूट शेड है एंड आई लव टू वेयर न्यूट लिपस्टिक, तो मैं लिपस्टिक से पहले लिप लाइनर यूज़ कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी डायमेंशन आ जाए मेरे लिप्स पे। सो आफ्टर लिप लाइनिंग मैं अपने फेस पे मेबलिन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये सुपर स्टे लिपस्टिक है इन द शेड सिडक्ट्रेस एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी शेड है, मतलब ये मैंने सेकेंड टाइम लगाया है एंड आई टोटली लव लव दिस लिपस्टिक। इतनी ज़्यादा ट्रांसफर प्रूफ है एंड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। एंड अब आप देख रहे होंगे मैंने जो आईलाइनर में विंग लगाया था उसको मैं ब्रश की मदद से हटा दे रही हूँ। तो अगर आपको कभी आई मेकअप किया है एंड कुछ अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो डोंट नीड टू वरी, उसे बस ब्रश की मदद से हटा सकते हो आप। एंड अब हल्की सी डायमेंशन ऐड करने के लिए डार्क ब्राउन कोल लेके हल्का सा लाइनर के फॉर्म में लगा लूँगी। एंड नाउ कम्स माई फेवरेट पार्ट, मैं फेसेस कनाडा का मस्कारा यूज़ करूँगी एंड अपनी आईलैशेस को बहुत ही ज़्यादा प्यारे वे में कर्ल कर लूँगी। एंड नाउ लुक एट द डिफरेंस, अब मैं अपनी प्यारी सी इयररिंग्स पहनूंगी एंड दिस इज माय फाइनल लुक। थोड़ा सा करीब से भी देख लीजिए कितना ज़्यादा फ्लॉलेस अनब्लेंडेड मेकअप है। ये बेसिकली सॉफ्ट क्लैम मेकअप लुक है, कोई भी ब्राइड्स मेड है ना इस वेडिंग सीजन ज़रूर करेगा। एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड फॉलो, बाय।